हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके हिंदी का सुलेख लेखन करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पर आज की डेट डाल लीजिए, राइट हियर। इलेवन/10/2020। ओके, नाउ क्लास वर्क देखिए, पढ़िए और बोलकर लिखिए। भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, है ना? आपको पता है ना, भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। तो आपको इसी को अच्छे से सुंदर अक्षरों में यहाँ पर आपको लिखना है। ओके, चलिए लिखते हैं हम। लिखिए, भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। कि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। फिर से लिखिए इसी को अच्छे सुंदर राइटिंग में, आपको लिखना है और बोल बोल कर लिखना है। भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखिए उसी के नीचे। अनेकता में एकता यहाँ की मुख्य विशेषता है ना? अनेकता में एकता यहाँ की मुख्य विशेषता है। चलिए इसको हम लिखेंगे। ओके, ये भी मैं आपको एक लाइन बताती हूँ लिखकर। अनेकता, बोल बोल कर लिखना है आपको। अनेकता में एकता यहाँ की मुख्य विशेषता है। कि अनेकता में एकता यहाँ की मुख्य विशेषता है। ठीक, फिर से एक लाइन लिख लेते हैं हम। देखिए फिर से आप लोग एक बार ऐसे ही सुंदर राइटिंग में आप लिखेंगे और बोल बोल कर लिखेंगे, ताकि आपसे पढ़ते भी बन जाए। ओके, पढ़ते भी आपसे बनने लगेगा। अनेकता में एकता यहाँ की मुख्य विशेषता है। ओके, ये देखिए आपको ऐसे ही अच्छे से सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है। ओके, चलिए ये देखिए, आप जो फर्स्ट वाला भी मैंने आपको 2 लाइन लिखकर बताया और सेकंड में भी आपको मैंने 2 लाइन लिखकर बताई है, वैसे ही आप यहाँ की जो 2 लाइन आपको छोड़ी गई हैं और इसके नीचे वाले में भी, तो ये आपको अच्छे से सुंदर राइटिंग में कंप्लीट करना है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर फिर से एक बार हम इनको रिपीट करते हैं, आप भी अच्छे से देख लीजिए कि कौन से शब्द को हम क्या पढ़ते हैं। ओके, ताकि आप भूलें ना, फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। कि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा था? अनेकता में एकता, अनेकता में एकता यहाँ की मुख्य विशेषता है।
ना, अनेकता में एकता यहाँ की मुख्य विशेषता है। ओके, तो दोनों को आप लिखेंगे जब तो बोल बोल कर लिखिएगा। ओके, बोल बोल कर लिखने से आपसे पढ़ते भी अच्छे से आने लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके आप ये कंप्लीट करिएगा अपना वर्क। बाय बाय, गुड डे।